नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं बना रही हूँ वाटरमेलन लस्सी। नॉर्मली हम वाटरमेलन ऐसे तो खाते ही हैं गर्मी के दिनों में, लेकिन इसकी लस्सी जो है बहुत ही टेस्टी लगती है, जल्दी से बन भी जाती है। आपको इसे गर्मियों में पीना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वाटरमेलन लस्सी बनाना। तो ये देखिए, वाटरमेलन लस्सी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए बढ़िया फ्रेश लाल वाला ये तरबूज लिया हुआ है, और इसके मैंने पीस कट कर लिए हैं। और इसके बीज मैंने, जहाँ तक हो सके, बिल्कुल भी बीज इसमें नहीं है। आप अच्छे से चेक कर इसके बीज निकाल सकते हो। और यहाँ पर मैंने बड़ा वाला जार लिया हुआ है, लगभग 1 कप के करीब ये वाटरमेलन के पीसेस हैं, तरबूज के पीस हैं। तो अब मैं ये डाल देती हूँ जार में, और ये जितना मीठा होगा उस हिसाब से आपको चीनी भी डालनी पड़ेगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2 चम्मच चीनी। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी है तो आप वो डाल सकते हो। और 1/4 चम्मच नमक, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है लस्सी में। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश गाढ़ा दही। ये देखिए बढ़िया गाढ़ा दही है, ये देखिए। और लगभग 3 बड़े चम्मच मैं इसमें दही डाल रही हूँ, और ये दही मीठा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, तभी जो हमारी लस्सी है बढ़िया टेस्टी लगती है। खट्टा दही नहीं होना चाहिए, ये देखिए। और आइस क्यूब डाल रही हूँ मैं, लगभग 2 से 3 टुकड़े पीसेस डाल रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से आइस क्यूब डाल सकते हो। अब हम लस्सी तैयार कर लेंगे, पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी वाटरमेलन लस्सी पीस चुकी है, और आप कलर देख सकते हो कितना प्यारा आया है। ये देख सकते हो आप कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है। तो अब मैं इसे एक ग्लास में सर्व करती हूँ। तो अब मैं इसे एक ग्लास में निकाल लेती हूँ, ये देखिए। आप कलर देख सकते हो कितना प्यारा आया है, ये देखिए, बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है ये। तो ये देखिए वाटरमेलन लस्सी बनके बिल्कुल तैयार है पीने के लिए। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, और गर्मियों में इसे आप जरूर बना के पीजिए, क्योंकि ये काफी ठंडक देता है। क्योंकि आपको पता है कि वाटरमेलन में कितना वाटर का कंटेंट होता है, और दही हमें खाना ही चाहिए गर्मियों के दिनों में, काफी ठंडक देता है। तो आप इसे जरूर बनाए। तो अगर आपको मेरी वाटरमेलन लस्सी की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, और जब भी बनाए बताना ना भूलें कि आपको ये लस्सी की रेसिपी कैसी लगी।